मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी अब कहना होगा। दीक्षा महज 20 साल की है, राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं और आजकल सीकर में रहकर इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। कॉलेज कैंपस में लगे नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़ पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहे थे। कोयल की मीठी कूक, गौरैया का तीखा स्वर और रुक रुक कर आती किसी बेहद सुंदर चिड़िया की आवाज जिसका नाम मुझे नहीं मालूम। मैं क्लासरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए इन आवाजों में डूबी थी। बोरिंग लेक्चर काटने का ये मेरा परमानेंट तरीका था। कितना अच्छा होता अगर इन परिंदों की जबान हमें समझ आती और इन्हें हमारी। अगर ऐसा होता तो मैं इन सब को एक नाम रटा देती, वही जो मेरे दिल के सबसे करीब है, साहिल। फिर कोयल की कूक, गौरैया का गान, सब इस नाम को दोहराते और मैं आंखें मूंदे बस सुनती रहती। मैं अपने ही ख्यालों पे हंस दी, क्या क्या सोचती रहती हूं मैं। मैं फिर ख्यालों में उलझती इससे पहले घंटी की आवाज आई। लेक्चर खत्म हो गया था। 10 मिनट बाद मैं साहिल के साथ कैंटीन में बैठी थी और वो बस हंसे जा रहा था। दरअसल मैंने वो परिंदों वाली बात उसको बता दी थी। मौली, तुम कैसी बच्चों जैसी बात करती हो, वो हंसते हंसते बोला। कोई बच्चों जैसी नहीं है, खुद मैथ्स पढ़ पढ़ के तुम बोरिंग हो गए हो। बोला था ना, लिटरेचर ले लो, शायद कीट्स और शैली को पढ़ के रोमांस सीख जाते, मैंने नकली गुस्से से कहा। तो वो बोला, अच्छा इतना बुरा हूं मैं, इतना। इस बार मुझे हंसी आ गई, कैसी रोनी सूरत बनाई थी उसने। साहिल नहीं यार, ये चीटिंग है, तुम ये बोलकर हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हो, कोई कंप्लेंट करने ही नहीं देते। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। अच्छा बाबा, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, मैंने कहा। वैसे भी आई लाइक बोर्डम, मैंने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से उसका गाल चूम लिया। मौली, ये आदत कब सुधरेगी यार तुम्हारी। साहिल हमेशा मेरी इस हरकत पर असहज हो जाता था। गॉड नोज, एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता, मैंने कहा और हम दोनों हंस पड़े। क्या बात है भाई, हमें भी सुना दो जोक वोक। आवाज सुनकर हम पलटे तो देखा रिकी खड़ा था और साथ में उसके 3-4 चेले। रिकी हमारी ही नहीं, कॉलेज के लगभग हर स्टूडेंट की लाइफ का विलेन था। पता नहीं क्या मिलता था इसे औरों को परेशान करके। ठीक है मत सुनाओ, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, तब तो सुना दोगी ना मौली, उसने मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा करके कहा। मन तो किया कि थप्पड़ जड़ दूं एक, लेकिन साहिल ने कस कर मेरा हाथ पकड़ रखा था, आंखों से इशारा भी किया कि चुप रहूं। अरे ऐसे लोगों से उलझने का कोई फायदा नहीं है, उसके जाने के बाद साहिल ने कहा। मैं कसमसा कर रह गई। रिकी चला गया था लेकिन हमेशा की तरह कुछ कसैला सा घोल गया था मन में। साहिल से मेरी मुलाकात कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुई थी। वो बीएससी नॉन मेडिकल में था और मैंने बीए में एडमिशन लिया था। मुझे याद है वो दिन जब मैं ऑडिटोरियम में अपने दोस्तों के साथ एनुअल डे स्पीच की तैयारी कर रही थी। मैंने स्पीच खत्म की तो ऑडिटोरियम में किसी की तालियों की आवाज गूंज उठी। वो साहिल था, जाने कब से वहां खड़ा मुझको देख रहा था। उस दिन हम कैंटीन में साथ बैठे थे, थोड़ी बातें भी हुई। अच्छा लगा था मुझे उसका साथ, उसका जरा सा संजीदा लहजा, चश्मे के पीछे से झांकती गहरी आंखें, सब कुछ। अच्छे दोस्त बन गए थे हम, और सेकेंड ईयर तक आते आते कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। किसी औपचारिक प्रपोजल की भी जरूरत नहीं पड़ी, शायद एक दिल की बात दूसरा दिल बिना शब्दों के भी पढ़ लेता है। एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कितने सपने बुन चुके थे हम दोनों। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कहाँ से करनी है, फिर कैसी नौकरी ढूंढनी है, कैसे घर वालों को राजी करना है, सब सोच चुके थे हम। अपने इन्हीं ख्यालों में डूबी मैं घर पहुंच चुकी थी। स्कूटी पार्क करके चाबी को उंगलियों में घुमाती हुई गुनगुनाती हुई भीतर चली गई। हॉल में बैठी माँ मुझे देखते ही मुस्कुरा दी। आज शायद वो बैंक से जल्दी आ गई थी। मैं सोफे पर बैग फेंक कर वहीं पसरने वाली थी कि माँ बोल पड़ी, नहीं बेटा मौली, उठो फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ।
फिर सोना आराम से बेड पे। माँ, मैंने कहा तो माँ मेरी नकल उतारते हुए बोली, मौली। मैं हंसते हंसते उठी और कमरे में चली गई। लौटी तो माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी, शाम की कॉफी और दिन भर की बातें। हम माँ बेटी का ये नियम कभी नहीं टूटता। माँ, पता है आज क्या हुआ? से शुरू हुई मेरी बातें हर छोटा किस्सा बताकर ही खत्म होती थी। और वो तेरा दोस्त साहिल? माँ ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा तो मैं थोड़ी असहज हो गई। कितने दिनों से घर नहीं आया वो, माँ बोली। इस संडे लंच पे बुलाना। मैंने सिर्फ इतना कहा और कप के पीछे छुपा ली अपनी मुस्कुराहट, अपनी नजरें। उसका नाम सुनते ही जो भीतर महसूस होता है वो चेहरे पर भी तो दिखता होगा ना। शायद सुर्ख हो जाती होंगी मेरी कनपटियां, शायद आंखों में सब साफ साफ दिखने लगता होगा। वही सब जो मैंने अभी माँ को नहीं बताया था, अभी बताना भी नहीं चाहती थी। जानती थी माँ चाहे जितनी भी पक्की सहेली क्यों ना हो, इस बात पर तो शायद वैसे ही रिएक्ट करेंगी जैसे सारी माएँ करती हैं। वो शनिवार की शाम थी। मैं कॉलेज से लौटकर माँ के साथ बैठी कॉफी पी रही थी जब मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। किसी अननोन नंबर से मैसेज था। नहीं, अननोन नहीं, रिकी की तस्वीर लगी थी डीपी में। कोई वीडियो भेजा था उसने। मैंने प्ले किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी और साहिल की वीडियो थी वो, लाइब्रेरी में एक दूसरे को किस करते हुए। नीचे लिखा था, वेट डियर, अभी फॉरवर्ड करता हूं कॉलेज ग्रुप्स में, तुम्हारी माँ को भी। रिकी का कोई भी ऐसी वैसी हरकत करना हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, करना नहीं चाहती थी यकीन। मैं माँ के पास से उठकर अपने कमरे में चली आई। कमरा अंदर से बंद करके बार बार उस वीडियो को प्ले करके देखती रही। लाइब्रेरी के उस कोने में हम दोनों के इतने प्राइवेट मोमेंट को कैसे कैद कर सकता था वो? अगर उसने कॉलेज में सबको दिखा दिया तो, माँ को भेज दिया तो, मैं खुद माँ को जो बात बताने से डर रही थी वो अगर इस तरह सामने आ गई तो मैं कैसे सामना करूंगी उनका, उनके उनके सवालों का। न जाने कितने अंदेशों से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने साहिल को फोन लगा दिया। हेलो, अभी तो बोल रही थी कि माँ के पास बैठी हूँ, अभी आ गई मेरी याद, वो मुझे छेड़ते हुए बोला। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। साहिल, वो रिकी, वो वीडियो। मैंने रोते रोते साहिल को सारी बात बताई, वो वीडियो भी भेजी। उसका हाल भी मेरे जैसा ही था। कौन किसे तसल्ली दे, कौन किसे हिम्मत बंधाए, हम दोनों बुरी तरह डर रहे थे। साहिल का फोन कटा ही था कि रिकी का एक और मैसेज आया। सदमे में हो जाने मन, रिकी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज डिलीट कर दो वीडियो, प्लीज। मैंने लिखा, फोन का टच नहीं काम कर रहा, डिलीट करूं भी तो कैसे, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसका जवाब आया। ये तो साफ साफ ब्लैकमेल था। मैंने सारे मैसेज साहिल को फॉरवर्ड कर दिए। हम दोनों के अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर और बेबसी। रिकी ने हमें सोमवार तक का वक्त दिया था। अगले दिन हम दोनों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी और सेविंग्स के पैसे मिलाकर उसके लिए नया मोबाइल खरीद लिया। मंडे को कॉलेज पहुंचते ही हम उसके पास चले गए। वो टेनिस कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ बैठा था जो उसकी हर बात पर बेवजह हंसे जा रहे थे। हमें देखते ही वो सब चुप हो गए। साहिल ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया तो वो उलट पलट कर देखने लगा। इसमें नया मॉडल भी तो आया है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं होगा बच्चों को। कितने बेशरम थे ये लोग। अब तो डिलीट कर दो वो वीडियो प्लीज, मैंने कहा। लेट मी थिंक अबाउट इट। वो जेबों में दोनों हाथ डाले एकदम मेरे सामने खड़ा था, मेरे एकदम पास। तुमने जो कहा था हमने कर दिया, तो अब? साहिल के बोलते ही वो जैसे खींच गया, मेरी तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, यू नो व्हाट, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या करेगा वो? मैंने कसकर साहिल का हाथ पकड़ रखा था। एक खाली क्लासरूम में बैठे थे हम दोनों, एकदम उदास और हारे हुए। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इग्नोर करते हैं उसको, मैंने कहा। कॉलेज में सब तो जानते हैं ना हमारी रिलेशनशिप के बारे में, घर पे भी बताना तो क्या बोल रही हो तुम, साहिल खींचते हुए बोला।
सब जानते हैं, मगर प्राइवेसी भी कोई चीज होती है ना, और घर पे बताना है इस तरीके से। सोचा है कभी उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचा है? आई एम श्योर नहीं सोचा होगा, वरना नौबत ये आती नहीं। साहिल ने मेरा हाथ झटक दिया। समझ रही थी मैं उसकी नाराजगी, पर साहिल ऐसे कब तक? आज फाइल बनाने को दिए, कल और कुछ कहेगा। कोई और रास्ता है? साहिल ने पूछा। जवाब हम दोनों जानते थे। हम दोनों ने जैसे तैसे रिकी की वो मोटी सी प्रैक्टिकल फाइल बनाई, उसे देने गए तो उसने एक ढेर और थमा दिया, अपने दोस्तों की प्रैक्टिकल फाइल्स। मैं रात भर जागकर फाइल्स बनाती रही। मां कई बार मुझको देखने आई, कभी मेरे लिए नूडल्स बना के रख जाती तो कभी कॉफी। बहुत प्रेशर है क्या बेटा? वो पूछती तो मेरा मन करता कि उनसे लिपट कर रोने लगूं, सब बता दूं उन्हें। करीब 2 हफ्ते गुजर गए थे। रिकी हमें परेशान करने का हर रोज एक नया तरीका खोज लेता। आज मैं और साहिल कॉलेज से निकले तो उसने एकदम हमारे पास लाकर अपनी बाइक रोकी और बोला, बैठो मौली, ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। अब तक वो जो कर रहा था मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसका ये कहना, मुझे वो नजर आया जो वो कर सकता था। मैं कांप गई थी उसकी बात सुनकर। एक रोज जब मैं और साहिल लॉन में बैठे थे, रिकी हमसे कुछ दूर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। उन्हें अपने फोन में कुछ दिखा रहा था। वो सब हर 2 मिनट बाद हमारी तरफ देखते और ठहाके लगाकर हंसने लगते। कहीं वो उन सबको वो वीडियो? मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठकर उनके पास चली गई। तुम जो कह रहे हो हम सब कर रहे हैं ना, फिर ये क्यों? मैंने गुस्से में कहा तो रिकी जोर से हंसा और बोला, हम तो फनी वीडियोस देख रहे थे, तुम्हें क्या लगा? उसे जैसे कोई बहाना चाहिए था मुझे डराने का, और कामयाब भी तो हो रहा था वो। उसका शातिर चेहरा दिन भर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। जरा सा फोन बजता तो मैं घबरा जाती, लगता उसी का मैसेज होगा। साहिल भी पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखता तो मैं ठिठक जाती। रात को न जाने कितनी बार नींद टूटती, अजीब अजीब सपने आते रहते, न पढ़ाई में मन लगता न कहीं और। आज लेक्चर के बाद मैं अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ जा रही थी। साहिल वहीं मेरा वेट कर रहा होगा। एक यही तो वक्त था जब दिल को थोड़ा सुकून मिलता था, थोड़ी राहत। मैं कॉरिडोर में मुड़ी ही थी कि सामने से रिकी आ गया। मैं उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने वाली थी, पर उसने हाथ पकड़कर मुझे रोका और जरा सा करीब आकर बोला, किस में? व्हाट? मैंने चौंकते हुए कहा, हैव यू गॉन मैड? इतना क्या सोच रही हो यार, उसको कर सकती थी तो मुझे नहीं, देखा मैंने वीडियो में तुम कैसे। वो इसके आगे भी बोलता जा रहा था। मेरे कानों में चुभ रहे थे उसके शब्द। मैंने उसे धक्का मारा और भाग आई, लेकिन कब तक भाग पाऊंगी मैं? रात के 8 बज रहे थे। मैं बालकनी में रखे झूले पर उदास बैठी थी। याद कर रही थी वो दिन जब साहिल और मैं लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। साहिल किसी बात पर मुझसे नाराज था, सो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। मैं कभी उसकी किताब बंद कर देती तो कभी पेन छीन लेती। सॉरी ना बाबा, इतना कौन नाराज होता है, मैंने कहा था। मौली पेन वापस दो, पहले ठीक से बात करो। मैंने फिर मनुहार की, लेकिन वो तब भी नहीं माना। उसने बैग से दूसरा पेन निकाला और वापस किताब में नजरें गड़ा ली। मैं रुआंसी हो गई थी। मैंने उसका पेन वापस किया और चुपचाप बैठ गई, चेहरा नीचे झुकाकर पेन पर माथा टिका लिया। कुछ ही पल गुजरे थे कि मैंने अपने हाथ पर साहिल के हाथ का स्पर्श महसूस किया। चेहरा उठाकर देखा तो वो बगल में बैठा था। इट्स ओके, ऐसे मुंह लटकाकर मत बैठो, उसने कहा। मेरा उदास होना इतना बुरा लगता था उसे, इतनी फिक्र, इतना प्यार। मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने लाइब्रेरी में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने दोबारा साहिल की तरफ देखा था और उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए थे। मौली क्या कर रही हो? कहते हुए उसने हटाया था मुझे। वो कहा है ना किसी ने, इफ यू लव समबडी शो इट, सो आई एम शोइंग इट, जता रही हूं अपना प्यार। पर मौली कोई देख? कोई नहीं देख रहा बाबा, और अब एकदम चुप। कहते हुए मैंने उसे फिर से करीब खींच लिया था। और बस वही सब न जाने कैसे रिकी ने अपने फोन में कैद कर लिया था।
प्यार दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है और इसे जाहिर करने का हर तरीका खूबसूरत। फिर चाहे वो हाथ थाम लेना हो, गले से लगा लेना या चूम लेना, नजदीकी के उस एक लम्हे में हम खुद को रोक नहीं पाते, रोकना चाहते ही नहीं, नहीं सोचते हैं कि जगह कौन सी है, वक्त कैसा है। और यही चूक कब हमें मुसीबत में लाकर खड़ा कर सकती है, हम नहीं जानते, जैसे मुझे और साहिल को किया था। यहां सवाल सही गलत, नई सोच पुरानी सोच का नहीं है, सवाल है अपने उस सबसे सुंदर एहसास का, उसके एक प्यारे से मोमेंट का। क्या कोई भी चाहेगा कि उस पल को पछतावे की तरह याद करना पड़े, कि रिकी जैसा कोई उसको इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाने की कोशिश करे? काश मैंने साहिल की बात मान ली होती, उसे फॉर ग्रांटेड ना लिया होता कि कोई नहीं देख रहा। काश। मैंने फोन उठाया और साहिल को एक मैसेज कर दिया, साहिल अब एक ही रास्ता है, मैं मां को सब बता दूंगी, सब। मैंने आंखें मूंद कर सर पीछे झूले पर टिका लिया। कितना कुछ एक साथ घूम रहा था जहन में, वो दिन, रिकी की आज की घिनौनी हरकत, मां का चेहरा और साहिल का साथ, जिसे मैं किसी हाल में खोना नहीं चाहती। मैंने साहिल से कह तो दिया था कि मां को सब बता दूंगी, लेकिन अब खुद ही डर रही थी। मौली, कब से आवाज लगा रही हूं? मां मुझे पुकारते हुए बालकनी में चली आई। बेटा खाना ठंडा, वो कहते कहते रुक गई, शायद देख लिया था उन्होंने मेरा उतरा हुआ चेहरा। मौली क्या हुआ? वो मेरे सर पे हाथ फेरती हुई मेरे पास बैठ गई। मैंने उनकी तरफ देखा मगर कुछ कह नहीं पाई। बचपन से लेकर अब तक माँ को सब बताया था, अपनी सहेलियों के किस्से, टीचरों की बातें, अपने छोटे बड़े सारे सीक्रेट्स, लेकिन जब प्यार की बात आई तो ये डिस्कम्फर्ट क्यों था? बेटा कोई बात है क्या? इतने दिन से देख रही हूं माँ, वो साहिल और मैं। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर माँ को अपने और साहिल के बारे में बता दिया, फिर रिकी को उस वीडियो के बारे में भी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। माँ मैं बता देती आपको, फिर ये सब, सॉरी माँ। माँ ने कस कर मुझे गले से लगा लिया। मैं सिसकती रही देर तक। माँ मेरे सर को सहलाती हुई मुझसे कह रही थी कि क्यों सहती रही बेटा, सिर्फ मुझे बताने के डर से, जैसे सब शेयर करती हो वैसे ये भी बता देती ना। माँ की बात सुनकर कितने दिनों से मेरे मन पर लदा बोझ हट गया था, जैसे हल्का महसूस कर रही थी मैं, और भीतर से थोड़ा मजबूत भी। मैंने माँ को रिकी के सारे मैसेज दिखाए, सब देखकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब तक तुम डरती रहोगी वो डराता रहेगा, जब तुम्हें पता है कि तुम गलत नहीं हो अपनी जगह तो फिर डर किस बात का, अपना स्टैंड लेने में हिचक कैसी। माँ की इतनी सी बात में सारी प्रॉब्लम का हल छुपा था। इतने दिनों बाद आज मैं चैन की नींद सो पाई थी। अगले दिन मैं और साहिल कॉलेज पहुंचे ही थे कि सीधा रिकी से सामना हो गया। हमें देखते ही वो बोला, कैंटीन का बिल पे कर देना, वैसे याद ही होगा ना तुम्हें, जब बिल नहीं दे सकते तो इतनी उधारी करनी जरूरी है, मैंने कहा। रिकी की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। तुम्हें पता है ना मैं क्या? हाँ यार पता है, तुम्हारे पास एक वीडियो है, तुम वो सबको दिखा दोगे, सबको पता चल जाएगा हमारी रिलेशनशिप के बारे में, यही सब ना? सिर्फ रिलेशनशिप? सब बताओ ना, क्या कर रहे थे उस दिन? रिकी कसमसाते हुए बोला। मेरा दिमाग बंद आ गया। मैं दो कदम आगे बढ़ी और एकदम उसके पास जाकर कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी तेज आवाज सुनकर आसपास काफी स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। सही नहीं कर रही हो तुम, रिकी दांत भींचते हुए बोला। और तुम जो कर रहे हो उसका क्या? ब्लैकमेल करना क्राइम है। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी, शायद इतने दिनों की घुटन गुस्सा बनकर निकल रही थी। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीना और जमीन पर पटक दिया। दोबारा ऐसी हरकत की ना मेरे साथ या किसी और के साथ तो सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगी। इतने दिनों से जो डर मेरे और साहिल के भीतर था वो आज मुझे रिकी के चेहरे पर नजर आया। आसपास जमा सारे लोग उसे ही देख रहे थे। उसने शर्म से चेहरा झुका लिया। उसे यूं देखकर अच्छा लग रहा था मुझे, सच कहूं तो सुकून मिल रहा था। मैं उसे वहीं खड़ा छोड़कर क्लासरूम की तरफ चल दी।
कुछ ही कदम चली थी कि साहिल मेरे बराबर आया और चलते चलते मेरा हाथ थाम लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक गॉड तुम मेरी जिंदगी में हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हमेशा। बस इतनी सी थी ये कहानी।